फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, सबने बहुत प्रेम से नवरात्रि मनाई है, रामनवमी मनाया है। दोस्तों, सबके घर में शुभ फल आने वाले हैं। छोटी मोटी जो गलतियां हुई है उसको जाने दीजिए, भगवान गलतियों पर कभी पाप नहीं देते हैं, वरना कोई पूजा पाठ ही ना करें। हाँ, जानबूझ के मिस्टेक्स करना गलत होता है, पर जाने अनजानी हुई गलतियाँ, जो चीज़ हम हटा नहीं सकते, उनकी वजह से, कुछ रीजन से अगर पूजा रह जाए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं देती है। दोस्तों, ध्यान रखें, भगवान का नाम है दयालु। माता रानी दयालु हैं, हम पर कृपा बरसाती है और वो हम पर अब कृपा बरसाएंगे। हमारे घर से सारी निगेटिविटी हम दूर कर चुके हैं, पर दोस्तों अब ज़रूरत है तो इसको मेंटेन करके रखने की। ऐसे में माता रानी का जब हमारे घर पे वास हो गया है तो हमें छोटी छोटी गलतियां अब नहीं करनी है। जो हम रोज़मर्रा की मिस्टेक्स कर रहे थे वो हमें नहीं करनी है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम झाड़ू से। साफ सफाई रखना बेहद इम्पॉर्टेंट है घर में जब माता रानी का वास हो चुका है। ऐसे में साफ सफाई करते वक्त हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू पोछे के टोटके आपकी किस्मत कैसे बदल सकते हैं, पर दोस्तों ये सच है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, टोटके वर्ड भी सुनने में अजीब लगता है, पर दोस्तों टोटके मतलब होते हैं छोटे छोटे उपाय जो करने से तुरंत कमाल होता है हमारी लाइफ में, उनको हम टोटके कहते हैं। ये हम करते हैं बिना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए, अपनी बेनिफिट के लिए, हमारे जीवन को स्पीड अप करने के लिए करते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन में मैं हमेशा बताती हूँ, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट काम करता है, हमारी लाइफ को स्पीड अप करने के लिए टोटके काम करते हैं। दोस्तों, इन टोटकों से आपके दिन तो बदलेंगे ही, साथ में किस्मत भी स्पीड अप कर जाएगी, इस पे अच्छा असर पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे झाड़ू रखना है, कैसे रखना है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं इतना आजकल की लाइफ में कौन करता है। जी हाँ, इतना कौन करता है, इसीलिए हम छोटी छोटी बातों की निगेटिविटी हमारे ऊपर पड़ती जा रही है। हमारे आसपास हम निगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ढेर सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले के जो सत्कर्म है या पहले की जो पॉजिटिविटी हमारे आसपास है या हमारे अंदर है, उसकी वजह से कभी कभी हम काफ़ी दिनों तक समय अच्छा अपना गलतियां करते रहते हैं और सोचते हैं हमारा अच्छा समय है, पर वो जो पॉजिटिविटी हमारे आसपास होती है उसकी वजह से हम काफ़ी दिन तक नुकसान नहीं झेलते। पर जब वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास ख़त्म हो जाती है तब शुरू होता है हमारी नेगेटिव एनर्जी का हमारे आसपास एक्यूमुलेट होना और तब शुरू होती है हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, हमने जब माता रानी को अच्छे से मनाया है, ध्यान रखना है, साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको झाड़ू खुले स्थान पे बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ये ध्यान रखें, हमेशा इसको छिपा कर रखें। और किचन में तो आपको बिल्कुल भी, किचन या भंडार में आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि इससे अनाज खत्म होने का डर होता है और इनकम के रुक जाने का भी डर रहता है। अगर आपने घर, आप अपने घर के बाहर गेट के सामने झाड़ू को उल्टा करके रखते हैं दोस्तों, तो ये भी चोर और बुरी ताकतों से आपके घर की रक्षा करता है। और लेकिन ध्यान रखें, ये काम केवल रात को किया जा सकता है, दिन में झाड़ू को छिपा के रखना चाहिए ताकि किसी को नजर ना आए। दोस्तों, यदि आप जब भी घर में पोछा लगाते हैं तो घर में पोछा लगाते वक्त आपको पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना चाहिए। नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाने पर फर्श के जो भी सूक्ष्म, जो भी जीवंत कीटाणु होते हैं, आप समझते होंगे बैक्टीरिया, वायरसेस, किसी भी तरह के होते हैं, वो सब नष्ट होते हैं, स्पेशली थोड़ा सा नमक डाल देने से। साथ ही घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी खत्म हो जाती है। झाड़ू से जुड़े हुए कुछ शगुन और अपशगुन होते हैं जो माने जाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर कोई बच्चा घर में अचानक से झाड़ू लगा रहा है, कभी नहीं लगाता और अचानक से लगाने लगे, तो समझ चाहिए कोई अनचाहा सा मेहमान घर में आने वाला है।
सूर्यास्त के बाद अगर कोई झाड़ू पोछा लगा रहे दोस्तों, गलती से भी नहीं लगाएं, ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शाम के बाद नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम ऑफिस से आके तो हमें करना ही पड़ता है। दोस्तों आप जाने के पहले सुबह 5 मिनट्स लगता है झाड़ू मार के जाएं, भले शाम के समय आप आके एक पोंछा गीला करके पोंछा मार लें अगर ज़्यादा गंदा लगता है, या आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो फिर आप उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करें कि शाम के बाद, अंधेरे के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना है। झाड़ू पर पैर नहीं रखना चाहिए, या कोई आ रहा जा रहा है झाड़ू पोछा हो रहा है तो उसके बीच में उनके पैर न लगे, ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा हम झाड़ू को लक्ष्मी माता मानते हैं, और अगर ऐसा मानते हैं कि उनको पैर लग जाते हैं तो लक्ष्मी माता रूठ जाती है और ये अपशगुन होता है। दोस्तों पोछे से भी जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको बता देती हूँ। झाड़ू की बातें बहुत लोग बताते हैं, पोछे की बात आज आपको मैं बताती हूँ। घर में अगर नियमित रूप से पोछा लगता है तो आपके घर में लक्ष्मी माता का निवास होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि चलो भाई रोज झाड़ू लगा दिया, मेड नहीं रखा है, ऑफिस गोइंग है दोनों हस्बैंड वाइफ, और ये छोटी मोटी बातें, घर गंदा नहीं होता है ज़्यादा, ऐसा सोचते हैं चलो 2-3 दिन में एक बार पोछा लगा लेंगे। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। घर में अगर रेगुलर रूप से पोछा लगता है तो आपके घर पे लक्ष्मी माता का निवास होता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार गुरुवार यानी थर्सडे के दिन आपको घर पे पोछा नहीं लगाना है, ऐसा करने से लक्ष्मी माता रूठ जाती है, और बाकी सारे दिन आप पोछा लगा सकते हैं। अगर आप पोछा लगाने वाले पानी में 5 स्पून रॉक सॉल्ट डाल देंगे, समुद्री सॉल्ट डाल देंगे, तो उसको मिलाने से जल्दी से आपके घर पे पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, और इससे जो भी नेगेटिविटी है आपके घर की वो सब कम किए जा सकते हैं। ध्यान रखें, हमेशा कुछ ध्यान आपको रखनी है, ज़रूरी बातें। कभी भी गाय को, या आप बंगलोज में रहते हैं तो ये यूजुअली कॉमन सी चीज़ है कि दरवाज़ा खुला रह गया तो आपके गार्डन के प्लांट्स देखे गाय घुसेंगी। कभी भी गाय को हम माता का स्वरूप मानते हैं तो गाय माता को कभी भी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, ये अपशगुन माना जाता है। अगर कोई भी मेंबर, घर का मेंबर कोई काम से निकला है, ये एग्जाम्स के लिए बच्चे निकले हैं घर से, तो उसके तुरंत बाद झाड़ू ना लगाएं, कम से कम 30 मिनट रुक जाएं। ऐसा करने से माना जाता है कि उस पर्सन को असफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये तो सबको पता होगा मुझे लगता है अब तक, कि झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा लिटा के रखना चाहिए, और ये क्योंकि खड़ा करके रखने से झाड़ू को अपशगुन माना जाता है। हम जब भी, अगर कभी भी नए घर पे प्रवेश कर रहे हैं, उस समय नए झाड़ू को लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए, ये बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। दोस्तों कभी भी आपको नई झाड़ू यूज़ में लेनी है तो आप उसको खरीद के भले किसी भी दिन लेके आएं, लेकिन नई झाड़ू को यूज़ करना आप सैटरडे के दिन से शुरू करें, आप देखेंगे कि कितनी धन की बरकत होती है आपके घर पे। ये ध्यान रखें दोस्तों कि सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं निकालना है, बहुत बड़ा अपशगुन है, और महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान रखें हमेशा, किसी भी, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें जा रही है, माता रानी को मनाना चाहते हैं लक्ष्मी माता को, तो 3 झाड़ू चुपके से जाके ब्रह्म मुहूर्त में किसी मंदिर में रखाएं। बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है ये मंदिरों में झाड़ू दान करने का। कब रखना है आपको? ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह के दिन रखना है। किसी न किसी अच्छे दिन करें, जैसे कोई त्यौहार है, ज्योतिष है, जैसे अभी हनुमान जयंती आने वाली है, महावीर जयंती आएगी, आप उस दिन आप रख सकते हैं, और ज्योतिष के शुभ योग जिस दिन भी हो उस दिन रख दें, या फिर फ्राइडे को रखें। अगर आपको बाकी कोई दिन नहीं पता, जैसे होली दिवाली है, ये सब दिनों में, जन्माष्टमी, जो भी बड़े त्यौहार आते हैं इन पे बहुत शुभ माना जाता है, और अगर कोई बड़ा त्यौहार नहीं आ रहा है आसपास तो आप फ्राइडे के दिन इसको रख के आ सकते हैं।
ध्यान रखें, ये बात आपको किसी को बताने की नहीं है। गुप्त दान होता है ये झाड़ू का, और गुप्त दान करने का अपना ही एक विशेष महत्व होता है। इवन यहाँ तक कि आप झाड़ू जब दान कर दें, मुझे कमेंट बॉक्स में आके ना बताएं कि मैम हमने झाड़ू दान कर दिया है। इससे सारा शुभ फल खत्म हो जाता है, और जिस दिन भी ये काम करना होता है उसके एक दिन पहले ही बाजार से 3 झाड़ू ला करके खरीद के आपको रख लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं। माता रानी आपके घर पे वास कर रही है, साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है ताकि माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करें आप, और आपके घर से जितनी भी निगेटिव एनर्जी, क्लेश है, जितनी भी बुराइयां हैं, वो घर से आपके दूर चले जाएं। तो ये छोटे छोटे उपाय मैंने आज आपको बता दिए दोस्तों, करके अपनी किस्मत को बदल के रखिए। बहुत ही शुभ फल आने वाले हैं आपके जीवन के, बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है आपका फ्यूचर। आगे के 2 महीने सभी राशि वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं। तो जो लोग भी काम धंधे से परेशान है, काम नहीं है दोस्तों, सब कोई एक नए जील के साथ, नए जोश के साथ फिर से अप्लाई कीजिए, नए तरीके से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपके एग्जाम्स हैं, कुछ है, छोटे छोटे टोटके जो मैंने बताए हैं वो सब अप्लाई करते रहिए। ज़्यादा नहीं करना, 1 या 2 टोटके जो आप इजीली कर सके बिना घर में क्लेश किए, आसानी से आपके पॉकेट अलाउ करे वो काम करें दोस्तों, और देखिए कैसा कमाल होता है आपकी ज़िंदगी में। सारी निगेटिविटी जा चुकी है, अब पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है। माता रानी को आप मना चुके हैं, अब हो जाने वाली है आपकी ज़िंदगी ऑन ट्रैक। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी दोस्तों से और फैमिली वालों से वीडियो शेयर करते रहें, ताकि हमें नहीं पता क्योंकि कब कौन सी वीडियो किसकी लाइफ चेंज कर देती है। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, गुड बाय एंड जय माता दी।